खरगोन जिले में भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिसमें जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़, रंजीत सिंह डंडीर, बाबूलाल महाजन सहित भाजपा कार्यकर्ता नेता उपस्थित थे। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या के विरोध में सम्मान दिवस मनाने की बात पर बताया कि कमलनाथ सरकार कांग्रेस के आपसी भेद के कारण गिरी। इनका आपसी मत ज्योतिरादित्य को संभालने में नाकाम रहा। वहीं रोजमर्रा की वस्तुओं में बढ़ती महंगाई की बात पर तुलना सोने से करके उन्होंने अपना दामन साफ तौर पर बचा लिया और लोगों को रोजगार देने की बात कहते हुए उनकी आय बढ़ने की बात का बयान दिया, जो किस हद तक सही है ये आम जनता साफ तौर पर जान चुकी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार और अधिकतम शासन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, समर्पण के साथ चुनौतियों से जूझकर, समस्याओं को परास्त करकर एक लोक कल्याणकारी शासन देने का अपना उत्तरदायित्व सफलतापूर्वक निर्वहन करा है। और इस समय जो कि भयावह संकट वापस मुंह खड़ा है, जिन राज्यों के अंदर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसमें मध्य प्रदेश भी एक है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने 11 बजे साइलेंट का आह्वान भी करा था और पूरे प्रदेश भर में लोगों ने उसका पालन करा है। कल हमने लॉकडाउन जो था रविवार का, उस लॉकडाउन का पालन किया। कल 11 बजे हमने साइलेंट का आह्वान करा। कर्ज माफी की घोषणा 2 लाख तक की करी थी, उसका पालन नहीं करा गया, वो भी असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वायदा नहीं करा था, पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि कृषि को लाभ के धंधे में परिवर्तित किया जाना चाहिए। किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपये केंद्र की सरकार ने दिए हैं, 4,000 रुपये राज्य सरकार का अंशदान है। 2200 करोड़ रुपये जो फसल बीमा का था, वो फसल बीमा के 2200 करोड़ की किस्त राज्य सरकार ने भरी है। 8,500 करोड़ रुपये फसल बीमा का भुगतान भी हुआ है। कुछ एक जरूर बैंक के नोटिस हो सकता है कि जारी किए गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पर उन पर विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता किसानों के प्रति इसलिए भी है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं किसान का बेटा है, तो कृषि को और किसान को जो आत्मीयता की आवश्यकता है वो स्वाभाविक रूप से शिवराज सरकार में है। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया है, गैस सिलेंडर 800। हमने शुरू दिन से एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करा था। लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का हत्या विरोध था। और संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं कि कमलनाथ जी की सरकार के असमय काल पब्लिक होने का कारण क्या था। जिस समय चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, हमको लगता था कि कमलनाथ जी चुनौती नहीं है, हमको लगता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो चेहरा है वो संभावनाशील चेहरा है। हमने नारा दिया कि माफ करो महाराज। ज्योतिरादित्य जी और कमलनाथ ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर अल्पमत से ही सही पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। दिग्विजय सिंह जी कहीं परिदृश्य में नहीं थे। दिग्विजय सिंह जी ने तो कहा था कि मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाता हूँ तो वोट कट जाता, मेरी दुकान में ताला लग गया। और जिस संभावनाशील नेतृत्व ने, जिस संभावनाशील नौजवान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार बनाई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की दुर्भी संधि हुई। षड्यंत्र पूर्वक शनि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हाशिए में डाला गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।